दिल्ली में गुरुवार को भी भीषण गर्मी जारी रही और भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार सफदरजंग वेधशाला में इस साल पहली बार अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। IMD के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के एक मौसम स्टेशन को छोड़कर सभी स्टेशनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। लोधी रोड, रिज, मुंगेशपुर और पीतमपुरा में भीषण गर्मी रही, जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री अधिक रहा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौसम केंद्र में शहर का अधिकतम तापमान सबसे अधिक 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD ने कहा कि गर्मी के और भीषण होने की संभावना है, साथ ही सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान शनिवार तक 42 डिग्री के निशान को छू सकता है। कम से कम एक सप्ताह भीषण गर्मी से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। देश की राजधानी के कुछ हिस्से मार्च के अंतिम सप्ताह से भीषण गर्मी की चपेट में है और इन हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक ने बुधवार को कहा था कि उत्तर पश्चिम भारत और इससे लगे मध्य भारत के इलाकों में अप्रैल में कहीं अधिक भीषण गर्मी पड़ने और अक्सर लू चलने का पूर्वानुमान है। उन्होंने कहा था कि मार्च की तुलना में अप्रैल में भीषण गर्मी वाली परिस्थितियां कहीं ज़्यादा अधिक होंगी और कुछ हिस्सों में 15 अप्रैल तक लू चलना जारी रह सकता है। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी उस वक्त घोषित की जाती है जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सामान्य से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है। दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। गुरुवार को दिल्ली में हवा में नमी का स्तर 19 से 39% रहा। वहीं दिल्ली में आज यानी शुक्रवार को अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और हीट वेव भी चलेगी। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में आज अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और मौसम शुष्क बना रहेगा। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, मौसम साफ रहेगा। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शुक्रवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI मध्यम श्रेणी में 161 दर्ज किया गया है दिल्ली में। वहीं नोएडा में AQI 183 दर्ज हुआ है, जबकि गुरुग्राम में खराब श्रेणी में AQI रहा है और 254 रिकॉर्ड हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।